भरतपुर जिले में कामा कस्बे के देर रात मामले की कहासुनी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया तो परिवार के लोगों ने समझ बुझाकर मामला शांत कर दिया। अचानक समय दूसरे पक्ष के सैकड़ों लोग लाठी डंडों के साथ पीड़ित परिवार के घर पर हमला करते हुए घर में रखे सामान के साथ तोड़फोड़ की और परिवार के लोगों को मारपीट करते हुए घर के अंदर बंद कर दिया। चीख पुकार सुनकर आज पड़ोसी के लोग भागे और झगड़े के शांत करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कामा कस्बे के गांव कनवाड़ा में मदन हरिजन अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिसके लड़के की देर रात मामूली बात की कहासुनी हो गई और दूसरे पक्ष ने इसी बात को लेकर अचानक सुबह हमला कर दिया, जिसमें मदन हरिजन की पत्नी सोनिया, लड़की लक्ष्मी व लड़का धर्मवीर बिच्छू नैना सिंह पूजा आदि लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से कामा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। पीड़ित दिलीप परिवार को गाँव के पंच सरपंच बना रहे हैं। राजमीने कदवाब पीड़ित पक्ष नहीं बयान कर पा रहा है अपने परिवार का दर्द। दलित परिवार का गांव में रहने वाला मुश्किल हुआ है मुश्किल। समाचार लिखे जाने तक दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस